हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल बटन को भी हिट कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ ना आपको अपडेट मिल जाए। अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप डर्टी ब्रशेस कैसे क्लीन कर सकते हो ईजी वे में, चाहे वो आई ब्रशेज हो या फेस ब्रशेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप रेगुलर या फिर कभी कभार भी ब्रशेज यूज़ कर रहे हो मेकअप करने के लिए। फिर भी आपको ब्रशेज क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट मैक्सिमम 15 डेज में तो आपको क्लीन करना ही चाहिए ब्रश, अदरवाइज आपके फेस पे एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप एवरी यूज़ पे ब्रशेज को वॉश करो तो बेटर होगा। सो आप देख सकते हो कि मेरे ब्रशेज जो है वो थोड़े गंदे हो गए हैं, ज़्यादा डर्टी तो नहीं है बिकॉज मैं एवरी 15 डेज में क्लीन करती रहती हूँ मेरे ब्रशेस। सो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे वॉश करना है आपको। सो सबसे पहले मैं नॉर्मल वाटर ले लूँगी, प्लेन नॉर्मल वाटर ऐसे छोटे से टब में। सो उसके बाद हमें कोई भी माइल्ड शैम्पू ले लेना है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ जॉनसन्स बेबी का शैम्पू जो बहुत ही ज्यादा माइल्ड है और मेरे ब्रशेज जो है उसके ब्रशेज भी खराब नहीं होंगे जल्दी इससे। और ये वाला शैम्पू तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा अफोर्डेबल रेंज में, सो बेस्ट है आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। सो मेरे जितने ब्रशेज है मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे शैम्पू ऐड कर लूंगी और इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सो उसके बाद पानी में सारे ब्रशेज को डाल दूंगी और हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि जो भी फाउंडेशन वगैरह है, कंसीलर वगैरह लगा हुआ है इसमें, वो इजीली क्लीन हो जाए। और ब्यूटी ब्लेंडर्स भी इसमें ही डाल दूंगी, आपको सेम वे में ही ब्यूटी ब्लेंडर्स को भी क्लीन करना है। और ब्रशेस को पानी में अच्छी तरीके से मैं डिप कर दूंगी, मिला दूंगी उसे ताकि सारे ब्रशेस में पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। सो हाफ एन आवर होने के बाद मैं ब्रशेस को अब क्लीन करूंगी। कुछ ऐसा टूल है ब्रश क्लीन करने के लिए जो मैंने अमेजोन से परचेस किया है, एकदम फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है और रबर का है ये। सो ब्रशेस भी खराब नहीं होंगे और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। आप कोई भी ब्यूटी शॉप से ये परचेस कर सकते हो, अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है। अदरवाइज मैं आपको अमेजोन का परचेस लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। सो अब ब्रशेस को क्लीन करने के लिए मैं इस पर थोड़ा शैम्पू डाल दूंगी, उसके बाद इस पर ब्रश को मैं रब करूंगी। आपको ज्यादा हार्ड रब नहीं करना है, बिल्कुल जेंटल हाथों से ही रब करना है इस पर। और मेरे जो सारे ब्रशेज हैं ना वो पैक कॉस्मेटिक्स के हैं, सो इसके ब्रशेज भी अच्छे हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर चेक कर सकते हो। सो इससे मैं सारे ब्रशेज को क्लीन कर लूँगी, चाहे वो फेस ब्रश हो, आई ब्रश हो, और आप देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से क्लीन हो रहा है। और प्लीज़ आप शेप को थोड़ा ध्यान में रखते हुए क्लीन करना, अब ज़्यादा हार्ड मत रब करना, अदरवाइज आपके जो ब्रशेज है और शेप खराब हो जाएगा ब्रशेज का। और कंसीलर ब्रश भी अच्छे से क्लीन हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। उसके बाद वापस मैं पानी में डिप करके सारे ब्रशेज को एक बार वापस से इस पर रब कर लूँगी ताकि अगर ब्रशेज में थोड़ा भी प्रोडक्ट रह गया हो तो वो भी क्लीन हो जाए। सो सारे ब्रशेज को क्लीन करने के बाद मैं एक बार फिर से क्लीन वाटर लूंगी और उसमें वापस से सारे ब्रशेज को डिप कर लूंगी और अच्छे से वॉश कर लूंगी। सो आप देख सकते हो जो मेरे ब्रशेज है वो क्लीन हो गए। सो इसे वॉश करने के बाद मैं एक बार इसे टॉवल ड्राई कर लूंगी ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। उसके बाद इसे मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी और 24 आवर में ये ड्राई हो जाता है। और प्लीज आपके ब्रशेज को ना धूप में सूखने के लिए ना रखे या फिर ड्रायर से ना सुखाए, अदरवाइज आपके जो ब्रशेज के ब्रिसल्स है वो खराब हो जाएंगे जल्दी। तो आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही रख सकते हो ड्राई होने के लिए, 24 आवर्स में ड्राई हो जाता है यार। और ब्रशेज के शेप में ही ड्राई करने के लिए उनको रखो, अदरवाइज जो ब्रशेज का शेप है वो खराब हो जाता है। सो या अब जो मेरे सारे ब्रशेज है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो गए और अब मैं इसे ड्राई करने के लिए रख रही हूँ। सो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूले, साथ में अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप चेक कर सकते हो। सो मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।